हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि चेक। तो सबसे पहले आप एक क्विक रिकैप देख लो सीजन वन का, कि सीजन वन में हमें क्या कुछ देखने को मिला था और ये सीरीज किस टॉपिक पर बेस्ड है, उसके बाद हम लोग सीजन टू की बात करेंगे। हाँ, बताने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा इस सीरीज से रिलेटेड, जानने के बाद आपको ये सीरीज देखने में मदद मिल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये जो सीरीज है ये फ्यूचर में सेट है और उसका जो ईयर है वो ईयर है 2384 और एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिस सिटी का नाम है बे सिटी। तो अब जो उस सिटी के लोग है वो सिटी के लोग नॉर्मल हमारी तरह ही ह्यूमन है, लेकिन वहां के लोग अब टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो गए कि हर इंसान के पीछे यानी गर्दन के पीछे आप एक तरीके का चिप मिलेगा। उस चिप को इस सीरीज में कहा जाता है कॉर्टिकल स्टेक। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो उसको स्टेक बोलते हैं। स्टेक में क्या होता है कि जितनी भी आपकी डे टू डे लाइफ जो एक्टिविटीज होती है, जो आपकी मेमोरीज होती है, याददाश्त या तो फिर जो जो चीजें आप लोगों ने की है, वो वहां पर आप लोग डाउनलोड करके स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन 24 घंटे में एक बार आपको उसका बैकअप करना पड़ता है। तो इससे फायदा क्या होता है कि अगर आप लोग मर जाओगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं मर गया और मेरी उम्र अभी 28 ईयर्स है, इस एज में मर गया, तो मेरे घर वाले क्या करेंगे, मेरा स्टेक निकालेंगे और स्टेक निकाल के वहां पर एक जो बड़ी कंपनी है उस कंपनी में देंगे और मुझे दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं अंबानी का बेटा हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, तो मुझे कहते हैं मिथ्स। मिथ लोग का और ऑर्डिनरी पीपल लोग का फर्क इतना होता है कि जो हम जैसे गरीब लोग हैं, वो लोग जब मर जाएंगे तो हमारे उस स्टेक को निकाल के लेके तो जाएंगे, लेकिन हम लोग को डिपेंड करता है कि उस टाइम पे उस कंपनी के पास कौन सी बॉडी है। जैसे कि आप, मैं 28 इयर्स का हूं, तो अगर उस टाइम पे 50 साल के आदमी की बॉडी अवेलेबल होगी तो वो स्टेक लगा के दे देंगे, भाई लेके जाओ, हो गया तुम्हारा बंदा, हम लोग जिंदा कर दिए। लेकिन अगर एक मिथ हूं, मैं मिथ फैमिली से बिलोंग करता हूं, मैं बहुत पैसे वाला, तो एज इट इज मेरा जैसा क्लोन ऑलरेडी बना रहेगा उन लोगों के पास और वो लोग स्टेक निकाल के वहां पे लगा देंगे। तो इससे बस फायदा ये होता है कि इंसान सालों साल तक वहां पर जिंदा रहता है। तो एज यूजल इस सीरीज में भी आपको कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट बताया, और इस सीरीज में जो अच्छी चीज बताई वो है ये कि वर्चुअल रियलिटी और रियल रियलिटी के बीच का फर्क आपको इस सीरीज में बहुत अच्छा बताया। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, किस तरीके का होता है, वो भी इस सीरीज में आपको बहुत डिटेल में बताया। प्लस अगर वर्चुअल रियलिटी में अगर आपको टॉर्चर करे या आपको तकलीफ पहुंचाए तो उसका रियल रियलिटी में क्या फर्क पड़ता है, ये सब कुछ आपको इस सीरीज में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिस बॉडी में आपका स्टेक लगाते हैं उस बॉडी को स्लीव करके बुलाते हैं। अब बात करेंगे इस सीरीज की कहानी की। तो देखिए, कहानी का हमारा जो मेन हीरो है उसका नाम है टकेशी कोवेक। टकेशी कोवेक एक एनवॉय है, यानी कि बेसिकली एक रिबेल ग्रुप है जहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा उनके पास जो एबिलिटीज है बहुत ही जबरदस्त है और एक तरीके के वो सोल्जर है, लेकिन उसके रिबेल के सारे लोग मर चुके हैं सिवाय इसके। लेकिन एक दिन इस पर भी हमला होता है और उसको मार दिया जाता है और उसका स्टेक निकाल के आइस टैंक यानी कि प्रिजन में रख दिया जाता है। अब तकरीबन 250 साल इस चीज को हो चुके और अब बे सिटी का एक पैसे वाला यानी कि लॉरेन बैंक्रॉफ्ट, वो चाहता है किसी भी तरीके से टकेशी कोवेक को वापस से जिंदा करे, क्योंकि वो एक जबरदस्त सोल्जर होता है और इसे अपने ही मर्डर का, अब देखिए ध्यान से सुनो, अपने ही मर्डर का केस को सॉल्व इन्वेस्टिगेट करने के लिए टकेशी कोवेक को फिर से जिंदा करवाना चाहता है। क्योंकि अब आप लोग बोलेंगे भाई इसके पीछे जो स्टेक लगा है तो स्टेक में तो काफी मेमोरी से थी, तो उसे देखकर वो समझ में आ सकता है कि भाई इसको किसने मारा था। लेकिन जैसे कि मैंने बोला था कि हर 24 घंटे में इस मेमोरी को आपको बैकअप करना पड़ता है, तो बैकअप के एग्जैक्ट पहले इसको कोई मार देता है। खैर, इसकी फैमिली इसको दोबारा से जिंदा तो कर देती, लेकिन ये इतना पैसे वाला होता है और ये चाहता है कि किसी तरह से इसको पता चल जाए कि आखिर में इसको मारा किसने था, तो इसीलिए वो टकेशी कोवेक को दोबारा से जिंदा करवाता है एक नए शरीर में, जिस शरीर का रोल यहाँ पे प्ले करे जोएल किंडरमैन। तो वो शरीर में आने के बाद टकेशी कोवेक क्यों इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है, क्या वजह होती है जो वो टकेशी कोवेक मान जाता है, क्योंकि वो एक सोल्जर होता है और वो इसी तरीके की जो दो नंबर ये जो पैसे वाले लोग उन लोगों से लड़ाई लड़ता है, तो वो इसका काम क्यों करेगा, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। तो अभी तक के आपने सीजन वन का रिकैप देख चुके होंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे सीजन टू की। लेकिन सीजन टू बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब, जो साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस, और हाँ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो देखिये, सीजन वन और सीजन टू के जो बीच में गैप बताया वो तकरीबन 30 ईयर्स का गैप बताया। तो इन 30 सालों में टकेशी कोवेक ने क्या किया, 30 सालों में टकेशी कोवेक ने अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढा अलग अलग प्लैनेट्स पे जाकर, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है, उसको मजबूरन अपने होम प्लैनेट जाना पड़ता है जहां पर एक अलग तरीके का वॉर चल रहा है। वो वॉर क्या है और होम प्लैनेट वो क्यों जाता है और क्या उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिलती है या नहीं मिलती है, कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये देखनी पड़ेगी अल्टर्ड कार्बन सीजन टू। तो देखिए, सीजन वन और सीजन टू का अगर हम लोग कंपेयर करें तो सीजन वन बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम इस तरह के यूनिवर्स को विटनेस किया जहां पर हमें मल्टीपल अलग अलग चीजें देखने को मिली थी और ऐसी ऐसी चीजें जो शायद अगर फ्यूचर में हो जाए तो मतलब तबाही मच सकती है।
लेकिन अगर सीजन टू की बात करें तो सीजन टू काफी बड़े बजट में बनाया गया शो लगता है। हर एक एपिसोड में आपको ऐसा लगता है, फील होता है कि हम लोग कोई बड़ी एक्शन मूवीज देख रहे हैं, मतलब हॉलीवुड की कोई बड़ी मूवी देख रहे हैं। बहुत ज्यादा बजट लगा हुआ है और सब कुछ एकदम कलरफुल लगता है। मतलब सीजन वन से सीजन टू की बात करें तो सीजन वन अगर 19 रहेगा तो ये 25 है बजट के मामले में। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो जोएल किनमैन की याद आपको आती है टकेशी कोवेक, लेकिन एंटोनी मैकी ने टकेशी कोवेक का रोल अपने अंदाज से बहुत अच्छा प्ले किया है, क्योंकि इसमें उन्होंने फनी एलिमेंट्स जो डाले हैं और इमोशन साइड जो अपना दिखाया है, जो आप उनका एमसीयू की फिल्मों में देखते थे वो आप महसूस करोगे। और एंटोनी मैकी ने यहाँ पे जरा भी कोशिश नहीं की है जोएल किनमैन की कॉपी करने के लिए। जोएल किनमैन का रोल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था सीजन वन में, लेकिन सीजन टू में एंटोनी मैकी मुझे पर्सनली निराश नहीं किए। उसके अलावा यहाँ पर आपको पिछले सीजन के कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, कुछ का छोटा सा कैमियो रोल है या कुछ का तो थोड़ा बड़ा रोल है, लेकिन खैर कुछ नए कैरेक्टर्स की हम लोग बात करें जैसे कि पो का, तो आपको पता कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली एक टेक्नोलॉजी हो, लेकिन यहाँ पर पो के लिए भी एक साथी लाया गया यानी कि मिस डिक, जिसका काम बहुत अच्छा लगा। और पो और मिस डिक की जो केमिस्ट्री थी आपस में बहुत ही, मतलब स्क्रीन पे कुछ अलग ही एहसास हो रहा था। उसके अलावा एक नई कैरेक्टर है माउंटी हंटर ट्रैप, उनका काम भी बहुत अच्छा लगा। और देखा जाए तो उनका भी रोल इतना ही है जितना यहाँ पर टकेशी कोवेक का, हम लोग कम या ज्यादा आंक नहीं सकते क्योंकि वो स्टार्ट से लेके एंड तक वो भी सीरीज में बनी रहती है। उसके अलावा यहाँ पर फैलकर यानी कि जिसकी तलाश में टकेशी कोवेक रहता है, अब उनका रोल इस सीरीज में कितना है, वो कब आती है, क्यों आती है, किस वजह से आती है, मगर वो आती है इतना मैं आपको बता दूं, तो उनका रोल भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कुल मिला कि ये सीरीज आपको देखने लायक है, ये आपको मजा आएगी। आपको अगर आपको कुछ साइबर पंक सीरीज देखना, कुछ अलग हटके सीरीज देखना, तो ये सीरीज बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि इस सीरीज की जो कहानी है, कहानी तो चलो ठीक ठाक है, लेकिन जिस तरह से आपको देखने में जो फील आती है, जो मजा आता ना, वो मजा कुछ अलग ही है। और ये सीरीज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगी, नेटफ्लिक्स पे मिलेगी। और इस सीरीज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कुछ क्वेश्चन हो, अगर आपने सीजन टू नहीं देखा या सीजन टू में से कुछ चीज आपको समझ में नहीं आई, तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज ये सीरीज इतनी ज्यादा सिंपल है कि आपको, मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन होगा, बस ये है कि आप इंजॉय कर सकते हो। अगर सीजन वन और सीजन टू को कंपेयर नहीं करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि देखिए जोएल किनमैन के फैन लोग ज्यादा परेशान हो गए एंटोनी मैकी को देखकर, लेकिन अगर जो लोग सिर्फ सीरीज देखना चाहते हैं, सीरीज कुछ अलग हटके देखने चाहते हैं, तो वो एंटोनी मैकी हो या जोएल किनमैन हो, आप किसी में भी फर्क नहीं करोगे। तो बस यार इस वीडियो में इतना। अगर आपको अल्टर्ड कार्बन सीजन टू का रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ जो साथी पहले कर उसे भी कर देना प्लीज। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, दुआ में याद रखना, मैं हूँ आशीष शेख।